ये उत्पत्ति पांचवा चैप्टर निकाले जो हम 18 से पढ़ेंगे। जब ये रेत 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेले का जन्म हुआ। मतुशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हनोक के बारे में। लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। ये जब से आदम पैदा हुआ ये पहला रैप्चर था। हालेलुया। पहला रैप्चर जब कोई जीवित उठा लिया गया, शरीर समेत उठा लिया गया। हालेलुया। लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। कितने साल चला हनोक परमेश्वर के साथ? 300 साल। उस समय उम्र बहुत होती थी आदम के बाद। और उसका पिता कितने साल, आप बताएं यहाँ पर कितनी आयु थी उसके पिता की? 20 पढ़ेंगे हम। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया। यहाँ पर हम हनोक के पिता के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम यरेद था। क्या था? यरेद। और लिखा है कि जब वो 162 वर्ष का था तब उससे हनोक पैदा हुआ। हनोक कौन है? यरेद का बेटा। हालेलुया। और उसके और भी बेटे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और उसके वो 962 साल जिया और उसके बाद मर गया। हालेलुया। कितने साल? 962 साल जिया। और हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन हनोक की कुल आयु 365 साल की थी। 365 साल मतलब 65 साल वो अपनी जिंदगी जिया। उसके बाद जब उसे कुछ पता चला परमेश्वर के बारे में, फिर वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। कितने साल? 365 साल का था, लेकिन वो 300 साल अपनी जिंदगी के परमेश्वर के साथ चला। और लिखा है वो जीवित ही उठा लिया गया, लोप हो गया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जीवित सशरीर समेत उठा लिया। हालेलुया। और ये रेत कितने साल जिया? 962 साल। तो आप सोचो वो दोनों एक ही घर में थे। हाँ, एक ही घर में रहते थे, एक ही माहौल था, एक ही वातावरण था उनका, लेकिन वो 962 साल की उम्र में होके यरेद मर गया। लेकिन हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला और जीवित ही उठा लिया गया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, हो सकता आप एक ही चर्च में हो सकता आप एक ही घर में हो सकता आप एक ही वचन सुनते हो, सारी चीजें आप सेम खाते हो। ऐसा ही था यरेद और हनोक का भी, लेकिन क्या लिखा है? यरेद मर गया और हनोक उठा लिया गया। हालेलुया। हमें कई बार लगता है मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी नया जन्म पाया हुआ हूं और मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही। आपको याद रखना है
हो सकता है एक कलीसिया में, एक घर में, एक वातावरण में रह रहे हों। हनोक और ये रेत भी एक ही वातावरण में रह रहे थे, हालेलुया। लेकिन ये रेत मर गया और हनोक जीवित उठा लिया गया। परमेश्वर, लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में, चर्च में भी ऐसे ही मिलेंगे आप। देखने में सब एक ही वातावरण में पल रहे हैं, देखने में सब एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन कौन है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है और कौन है जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा। वो हमारा जो पर्सनल लाइफ हमारी जो परमेश्वर के साथ है वो मैटर करती है, हालेलुया। सेम घर में यरेद रह रहा है, वहीं पर अनोक रह रहा है, वहीं पर वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। लिखा यरेद मर गया और हनोक जीवित उठा लिया गया। आज ध्यान से वचन को सुनना, हालेलुया। सेम ग्रुप, सेम कलीसिया, सेम लोग, सेम फैमिली, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। हनोक उठा लिया गया, यरेद मर गया। ध्यान देना हमें, हमारा चलना परमेश्वर के साथ वो हमारा पर्सनल डिसीजन है, हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसका रैप्चर हो गया, हालेलुया। वो उठा लिया गया। उत्पत्ति 3 उसका 10 भी पढ़ेंगे हम। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्या बोल रहा है? मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, आप जानते हैं डर कब आता है? जब मनुष्य पाप करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है। कोई भी पाप आप करो, आपके हृदय अंदर आपके डर आएगा, हालेलुया। लेकिन आप अगर सच्चे हैं और प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप हमेशा निर्भय रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं। जो चीज दी नहीं है वो हमारे पास कैसे हो सकती है? अगर है तो कहीं गड़बड़ है, हालेलुया। पढ़े, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है आदम? मैंने तुझे मना किया था इस पेड़ का फल नहीं खाना, तूने खाया है। इसीलिए क्यों अनाज्ञाकारिता मृत्यु को लेकर आती है और धार्मिकता जीवन को लेकर आती है, हालेलुया। आप सोचो, अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर कह रहा है ये फल खाएगा निश्चय मर जाएगा, फिर भी खाया। आज पता है ये करेंगे मरेंगे, फिर भी करते ही दुनिया। क्यों? आदम का नेचर है अभी तक, हालेलुया। हनोक ने कभी सुना होगा, हनोक ने कभी सुना होगा अपने पिता से या किसी से भी कि आदम कैसे पाप दुनिया में आया। तो उसने कभी अपने बड़ों से सुनी होगी वह बातें कि आदम ऐसे पाप में गिरा और ऐसे दुनिया में पाप प्रॉब्लम्स आई। उसने सुना होगा कभी ना कभी। और हनोक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, जैसा परमेश्वर की अगुवाई होगी मैं उस तरह अपना जीवन को जीऊंगा। और वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ, साथ साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर की अगुवाई में वो करना जो परमेश्वर चाहता है और वो ना करना जो परमेश्वर नहीं चाहता। 300 साल प्रभु के साथ साथ चलता रहा और लोप हो गया। उसने कहा, मैं वो अनाज्ञाकारिता नहीं करूंगा जो मेरे बाबा आदम ने करी, हालेलुया। मैं उस परमेश्वर के साथ चलूंगा। और हनोक उठा लिया गया। अनाज्ञाकारिता मौत को लेकर आती है। उसने कहा, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। और धार्मिकता
जीवन को लेकर आती है। हालेलुया। हनोक जो परमेश्वर के साथ चल रहा था और बाइबल में लिखा है वो जीवित थी, उठा लिया गया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप जानते हैं परमेश्वर का प्लान जो मनुष्य के लिए था वो अलग प्लान था। आदम को लेकर जो परमेश्वर का प्लान था वो कुछ और था। कितने पेड़ के फल लगे थे वहां पर जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। हालेलुया। तो एक अच्छे और बुरे के पेड़ का फल है ना, हम पढ़ लेते हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं 2:16। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के पेड़ का फल तू ना कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ पे कितने पेड़ के फल प्रभु ने मना किए? ओनली वन, सिर्फ एक पेड़ का फल प्रभु ने मना किया था, और वो कौन सा? अच्छे और बुरे के पेड़ का फल। हालेलुया। लेकिन एक पेड़ का फल और था वहां पर, वो था जीवन का पेड़। हालेलुया। जीवन के पेड़ का फल जिसे खाके मनुष्य हमेशा के लिए अमर हो जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्यों जीवन का पेड़ का फल वहां रखा था? आज मैं बताती हूं परमेश्वर का। परमेश्वर का जो आदम के लिए जो ए प्लान था है ना, जो पहला जो प्लान था वो ये था कि आदम अपनी परीक्षा में स्थिर रहे, अनाज्ञाकारिता ना करे, और अगर वो शैतान के भरमाने से भरमाया ना गया तो मैं उसे जीवन का पेड़ का फल दूंगा जिसे खाकर आदम हमेशा के लिए जीवित रहेगा और मेरे साथ संगति करेगा। ये परमेश्वर का ए प्लान था आदम के लिए। हालेलुया। इसीलिए उसने अदन की वाटिका में जीवन के पेड़ का फल लगाया ताकि मनुष्य एक दिन, परमेश्वर चाहता था मैं उसे वो फल दूं जिसे खाकर मनुष्य कभी ना मरे। हालेलुया। ये प्लान था परमेश्वर का, मनुष्य कभी ना मरे। हालेलुया। आज वही लोग अनंत काल का जीवन पाएंगे जो लगातार परमेश्वर के साथ वफादार विश्वासियों के और स्थिर रहेंगे। हालेलुया। और यही परमेश्वर की योजना थी आदम के लिए। आज्ञाकारिता धर्मी बनाती है मनुष्य को और अनाज्ञाकारिता मृत्यु को लेकर आती है। हालेलुया। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। जब आदम ने पाप किया फिर भी परमेश्वर ने आदम को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो उसका बेटा था। परमेश्वर ने उसके लिए उसी समय बी प्लान तैयार किया, और वो प्लान था कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और ये तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उसका मतलब क्या है? स्त्री का वंश। हम कौन है सब? आदम का वंश। लेकिन स्त्री का वंश जो कुंवारी से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा होगा, वही शैतान के सिर को कुचलेगा। ये बी प्लान तैयार हुआ यीशु मसीह का, जो आज से 2000 साल पहले दुनिया में आया। ये बी प्लान परमेश्वर ने अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए फिर से तैयार किया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, भजन संहिता 49:15। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे नरक जाने से, अधोलोक जाने से बचा लेगा, छुड़ा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान नहीं कि मनुष्य नरक में जाए, मनुष्य अधोलोक में जाए। परमेश्वर का दिल दुखा
जब आदम ने पाप किया, वो फल खाया, अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने उसके लिए एक और प्लान तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती और आसमान को बनाया और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने धरती मनुष्यों को दी और दोनों, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और मनुष्य के लिए धरती दी और वो दोनों आपस में मिलते थे रोज। हालेलुया। बाइबल में लिखा हनोक परमेश्वर के साथ चला लेकिन आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ नहीं चले। हालेलुया। हम लूका 16 में भी लिखा हुआ है परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य अधोलोक में जाए, परमेश्वर चाहता है मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहे। और इसीलिए हम देखते हैं इब्राहिम भी आज अधोलोक में नहीं लेकिन स्वर्गलोक में, और वो लाजर की कहानी भी जब हम पढ़ते हैं वो लाजर भी आज स्वर्गलोक में है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं दो, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। ये पहले प्लान में था प्रभु का, इसीलिए आदम की वाटिका में जीवन के पेड़ का फल लगाया। लेकिन प्रभु अभी क्या कह रहा है, जो कोई मसीह पे विश्वास करेगा और पापों पे जय पाएगा मैं फिर से पेड़, उसी जीवन के फल जो अदन में रखा था, प्रभु ने कहा मैं फिर से वही पेड़ का फल उसे खाने को दूंगा। ये भी प्लान है परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहता मनुष्य मरे और नरक में जाए। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे हम, भजन संहिता 73 उसका 24, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। प्रभु की इच्छा है कि आप सदा परमेश्वर के पास रहें। 49 उसका 15 भी पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। वो मुझे नरक की आग से, अधोलोक से छुड़ा लेगा और मुझे ग्रहण करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ पाप के अंदर बढ़ने की कैपेसिटी है। पाप मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, एक चुंबकीय सामर्थ्य होती है पाप के अंदर जो इंसान को अपनी ओर खींचता है। आदम और हव्वा को जब वो शैतान की आंखों से उन्होंने देखा तो वो फल उन्हें खींचा, आकर्षित लगा उन्हें। इसीलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलने की, परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ साथ लिपटे रहने की जरूरत है। क्योंकि जब हम पाप परमेश्वर के साथ चलते हैं और हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे रहता है तो क्या होता है, हमारा ध्यान पाप की ओर नहीं जाता और जब हम उसे देखते नहीं है हम उसकी ओर खींचते नहीं है। हालेलुया। हमें अपने आप को समर्पित करना है प्रभु को, सबमिट करना परमेश्वर को अपनी लाइफ को कि प्रभु अब ये जीवन मेरा नहीं प्रभु तेरा है। हालेलुया। कितने साल चला हनोक, 300 साल। हालेलुया। 300 साल। आप सोचो रोज हनोक परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, रोज डेली। अब प्रभु को ये पसंद नहीं, नहीं परमेश्वर की अगुवाई, प्रभु मुझे मेरी अगुवाई कर, रोज प्रभु के साथ साथ, रोज सीरियस होके परमेश्वर के पीछे, प्रभु की आवाज सुनता था वही करता था, प्रभु की आवाज सुनता था वही करता था, रोज रोज रोज। कितने साल, 300 साल। और लिखा है प्रभु उससे इतना प्रसन्न हो गया
जीवित थी, शरीर समेत, मरने की भी जरूरत नहीं, शरीर समेत उठा लिया उसको। हालेलुया, ये पहला रैप्चर है बाइबल का। दूसरा रैप्चर जब एलिया को उठाया था, ये पहला रैप्चर शरीर समेत उठा लिया। हालेलुया, इब्रानियों 11 उसका 5 में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया, इब्रानियों में लिखा है ये, इब्रानियों की पुस्तक कहते हैं पौलुस ने लिखी है। तो परमेश्वर पौलुस को दिखा रहा है कि हनोक को क्यों उठा लिया था मैंने, क्या किया था हनोक ने कि मैंने उसको जीवित ही उठा लिया था। क्या लिखा यहां पर हम पढ़ेंगे दोबारा से, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। क्या विश्वास था? परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ मुझे चलना है। विश्वास के कारण वो हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, मौत को ना देखे। हालेलुया, इसलिए उठा लिया गया। प्रभु नहीं चाहता था जो एक मौत है उसको भी ना देखे मेरा बेटा। उसके बाद क्या लिखा है कि वो मृत्यु को ना देखे, और पढ़ो, और उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हालेलुया, लोगों ने ढूंढा, अरे हनोक कहाँ गया, अभी तो घर में था हनोक, अभी गायब हो गया, कहाँ चला गया, लोग ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन उसका पता नहीं चला और लोग कहते पता नहीं कहाँ गया हनोक। ऐसी जब रैप्चर होगा ना, जब परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे, अखबारों में खबरें छपेंगी, इतने करोड़ बंदे गायब हो गए दुनिया से, कहाँ चले गए सारे, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन आएगी, अरे इंडिया से इतने करोड़ गायब, इंग्लैंड से इतने करोड़ गायब, इतने लाख अमेरिका से गायब हो गए, अरे ये लोग कहाँ गए, गायब हो गए सब, और लोग ढूंढेंगे हमें, कहीं दूसरी कंट्री तो नहीं चले गए, कहीं समुंदर में तो नहीं चले गए, कहीं आज गायब हो जाएंगे लोग। रैप्चर होगा जब, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, गुप्त आगमन, जब वो बादलों पे आएगा और लोग उठा लिए जाएंगे जैसे हनोक उठा लिया गया। हालेलुया, और लोग ढूंढ रहे, अरे हनोक कहाँ गया, सुबह तो खाना खाया था मेरे साथ उसने, अरे उसके बाद तो लकड़ियां लेने गया था मेरे साथ, उसके बाद तो हनोक ने परमेश्वर को याद कर रहा था, कहाँ गया हनोक, घर में ढूंढ रहे हैं लोग उसको। इसी तरह जब परमेश्वर के लोग बादलों पे उठाए जाएंगे, लोग ढूंढेंगे, एक देश दूसरे देश को फोन करेगा, तुम्हारे लोग तो नहीं आ गए हमारे यहाँ, हमारे लोग तुम्हारे यहाँ तो नहीं आ गए, अरे कैसे गायब हो सकते, करोड़ों लोग कैसे गायब हो जाएंगे। वो जो परमेश्वर के साथ साथ चलते होंगे हर दिन लगातार, जो परमेश्वर के साथ हर दिन चलेंगे, वो हनोक की तरह उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, ये होने वाला है, अब इसमें देर नहीं है। हालेलुया, लिखा हनोक ने उसकी गवाही दी गई, लिखा है पढ़ेंगे अभी हम इसको, और उसके उठाए उठाए जाने से पहले ये लिखा गया था, ये गवाही दी गई थी उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया, कितने साल प्रसन्न किया परमेश्वर को, 300 साल। आज हम एक दिन सुबह से शाम तक प्रार्थना कर लें तो हम सोचते हैं हम पता नहीं कितने बड़े धर्मी बन गए। 300 साल
ना इधर ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना पाप को देखा, ना किसी व्यभिचार में पड़ा, ना किसी का लालच किया, ना कोई चोरी की। परमेश्वर को जो पसंद था, 300 साल एक एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चला। उसकी गवाही दी गई उसके उठाए जाने से पहले कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। यदि आज आप ऐसा जीवन जी रहे हैं और आपके उठाए जाने से पहले आपको चेक किया जाएगा कि आपने अपना एक एक दिन प्रभु की अगुवाई में बिताया, आपने अपना एक एक दिन क्या परमेश्वर को प्रसन्न किया, या खुद की अभिलाषाएं खुद को प्रसन्न किया और लोगों को खुश किया, या परमेश्वर को खुश किया। ये चेक किया जाएगा उसके उठाए जाने से पहले। ये गवाही दी, किसने गवाही दी होगी सोचो? स्वर्ग दूतों ने गवाही दी होगी उसकी। हालेलुया। जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, लिखा पाप की चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंची। परमेश्वर ने कहा दूतों को जाओ देखो, पाप इतना पाप बढ़ गया कि स्वर्ग में चिल्लाहट आ रही है, जाओ चेक करके आओ। परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भेजा नीचे, और जब स्वर्ग दूत सदोम और अमोरा में आए, बाइबल में लिखा है वहां पे समलैंगिकता जो व्यभिचार है वो बहुत बढ़ चुका था, और उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर ऐसा ही है। प्रभु ने कहा कौन है धर्मी, उसको निकालो वहां से। लूत धर्मी था, कहते परमेश्वर ने कहा मैं आग बरसाऊंगा ऊपर से। पाप मृत्यु को लेकर आता है। हालेलुया। किसने गवाही दी होगी? लूतों ने। मैं आपको बोल रही हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी गवाही जा रही है ऊपर। वो जो परमेश्वर को गवाही मिल रही है वो देख रहा है सब कुछ। हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु का जो हमें सामर्थ देता है। प्रभु हर दिन जांचता था हनोक को। आज पूरा दिन हनोक मेरे साथ चला, आज हनोक मेरे साथ चला, आज हनोक ने कोई पाप नहीं, आपको पूरा वचन पे हनोक के अंदर मेरा प्रेम बना हुआ है, हनोक के अंदर कोई घमंड नहीं है, हनोक के अंदर कोई लालच नहीं है, हनोक परमेश्वर से भय मानता है, डरता है। रोज प्रभु उसको जांचता था और उसके विषय में गवाही दी। मूसा के विषय में किसने गवाही दी कि पूरी पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र मूसा है? जानते हैं, खुद परमेश्वर ने। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करना। आज लोग पाप की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। अगर कोई मसीह व्यक्ति कोई गलत चीज कर रहा है, और चाहे वो किसी पोजीशन पे भी क्यों नहीं है, लोग बोलते हैं वो भी तो कर रहा है, मैं भी कर सकता हूं, उसने भी तो ऐसा किया है, वो भी तो इतने साल से मसीह है, वो भी तो शराब पीता है, मैं भी पीऊंगा। गलत चीजों में बहुत जल्दी लोग नकल करते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि पाप आकर्षित करता है। लेकिन कोई उस बात की नकल नहीं करेगा कि वो व्यक्ति देखो इतने साल से प्रभु का भय मानता है, प्रभु के वचन पे चल रहा है, मैं उसकी नकल करूंगा। लेकिन गलत चीज की नकल एक मिनट में आती है। वो भी तो मसीह है, वो भी तो दारू पीता है, मैं पी लूंगा क्या हो जाएगा, मैं वे विचार कर लूंगा क्या हो जाएगा। पाप की नकल, दुष्टता बहुत जल्दी आती है लोगों को। लेकिन बाइबल में लिखा यिरेद कितने साल जिया? 965 साल। हनोक का पिता था, वो भी आदम हब्बा को जानता था, वो भी जानता था परमेश्वर को, लेकिन प्रसन्न किसने किया? हनोक 300, केवल 300 साल। वो 962 साल चला और मर गया, लेकिन हनोक 300 साल जिया, और कहते हैं उसे परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसकी गवाही दी गई और परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया कि वो मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। आज प्रभु हमें जांचता है, आज्ञाकारिता में बने रहना। यहूदा की किताब में पढ़ेंगे हम, यहूदा उसका एक, उसका 14। हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, कैसे आदम से सातवीं पीढ़ी, केवल सातवीं पीढ़ी, हाँ, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। क्या भविष्यवाणी कर रहा है हनोक? क्या भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु अपने
लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीन के उसकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और सब उन कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों के ने उसके विरोध में कही हैं दोषी ठहराए। हालेलुया। हनोक कब पैदा हुआ? आदम से सातवीं पीढ़ी में। समझ आ रही है? हजारों साल बाद अभी यीशु मसीह ने आना है बादलों पे, क्या लिया आना है। हजारों साल पहले हनोक क्या देख रहा है? परमेश्वर प्रभु अपने लाखों पवित्र दूतों के साथ स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आने वाली चीजों को हनोक हजारों साल पहले प्रभु ने उसको सारी चीजें दिखाई और उसने देखा कि परमेश्वर लाखों पवित्रों के साथ स्वर्ग से उतर रहा है। हालेलुया। आदम से सातवीं पीढ़ी तकरीबन 5000 साल पहले से उसने अभी जो यीशु आएगा भी वो दर्शन अभी प्रभु आएगा, प्रभु अपने दूतों के साथ अपने लोगों के साथ स्वर्ग से आएगा भी, आने वाला जल्द, ये दर्शन हनोक ने उस समय देखा और लिखा गया। हालेलुया। हनोक देख रहा है, हनोक ने जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। कितनों को समझ में आ रहा आज? ये हमारा प्रभु है। हम कई बार सोचते हैं ले जे मैं मर गया फिर आगे दी चीजा मैं कितना देखांगा, हाँ मैं आगे की बातें कैसे देखूंगा। समझ आ रही है आपको? हनोक को आपके बाद जो होने वाला है वो भी परमेश्वर ने उस समय पे दिखा दिया था। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ हैं, परमेश्वर आपको सब चीजें जो आने वाले समय में होनी है वो पहले से जाहिर कर देगा आपके ऊपर। हालेलुया।